दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग। अभी सुबह के बज रहे 8 और अभी देखिए पूरा जो है सो बादल छाए हुए, मेघ लगा, बहुत अच्छा मौसम है और बारिश अभी जो है सो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और अभी जो है सो रुका हुआ है। लेकिन अभी हम आपके साथ हार्वेस्ट करने जा रहे हैं नोनी का साग। हम लोग के जो है उत्तर बिहार में बोला जाता है नोनी का साग। तो बहुत सारा जो है मेरा कंटेनर है इस तरह का, देख रहे हैं थर्मोकोल का, तो इसे बहुत सारा नहीं चाहते हुए भी हो जाता अपने आप, बहुत इसको खाना पड़ता है। तो हम लोग के इधर जो होता है एक पावन होता है जीतिया, जीत मुतवाहन, तो उसमें इसका बहुत ही महत्व है। बगैर इसके जो है इस यहाँ पर जो है इसको ही लोग बहुत नियम निष्ठा से इस साग को बनाते हैं और यहाँ पर जो है इसका विधि विधान से लोग बना के और उसका तब जो है सो उप पावन किया जाता है। तो हमारे गार्डन में पूरा भरा हुआ है इस तरह से। तो पिछले साल तो बहुत भरा था इधर, इस बार तो बहुत निकाल भी दिए, फिर भी कुछ छोड़ दिए थे कि हम इस समय के लिए कुछ हार्वेस्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स सबको दे देंगे। तो एकदम पूरा इजीली हो भी जाता है, अगर इस एक बार अगर हो जाता है तो मतलब कि वो जो है आपका गार्डन में बना ही रहता है। और ये बहुत ही महीन इसका बिया जो हवा में भी उड़ता रहता है और मिट्टी में, तो इसको ये बहुत जो है सो फैलता बहुत है, बहुत फैलता है। तो देखिए हम इतना सारा, इतना छोटा सा जगह से निकाल दिए हैं और इसको हम इसमें रख देते हैं, और इधर भी है, इधर से भी हम निकाल लेते हैं। देखिए तो इसको हमको हटाना ही था क्योंकि कुछ सब्जी लगाएंगे ठंडा का, तो निकालना ही पड़ता। तो इस और अभी जो है सो इसको बहुत यूजफुल है। अभी जो है मार्केट में इसका दाम 100 रुपये किलो है। तो देखिए हम इतना हार्वेस्ट किए हैं, नोनी का साग आप देख रहे हैं और भी है। देखिए इस कंटेनर भी है, बहुत तो हटा दिए फिर भी ये हो गया है। तो सबको निकाल लेते हैं, जितना भी है सब हटा देते हैं इसमें से। और जो है सो आज इसका बहुत ही, कल पावन है तो एक दिन पहले से ही इसका तैयारी करना, काहे कि इसमें मिट्टी जो है सो पूरा मिट्टी भरा भरा रहता है, तो मिट्टी भी सूख जाता है, तो उसको झाड़ के निकालना पड़ता है, बीछना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए एक दिन पहले ही इसको लोग अच्छे से बीछ बना के रख लेता है, तब जो है सुबह में इसका सब्जी साग कचरी जो भी हो उसके साथ बना के लोग खाते हैं। तो देखिए इसमें भी भरा हुआ है, देख सकते हैं इसमें। तो ये सब छोड़ दिए थे कि हम जो है आज के दिन के लिए कि तोड़ेंगे। तो मेरी दोस्त सब जो है, तो इतना सारा है और इसकी मिट्टी जो है सो बहुत हल्की चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो है सो आप देख रहे हैं, ये कौनसी का पौधा है देख रहे हैं, ये जो है सो हल्दी नहीं है, क्या है बताएं कमेंट करके। और देखिए इसका रूट जो कितना जो है फैल रहा है, इसी में इस एक साइड था तो हम इसको निकाल दिए हैं। और मेरे मोहल्ला में जो है सो पिछले साल दिए थे, तो इस बार भी सब मांग रही थी कि है ना आपके पास, हम बोले हाँ क्यों नहीं है, सबको निकाल के आप लोग को भी देते हैं। तो इतना सारा निकला है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत हो गया, तो सबको अब हम दे सकते हैं। और हमको बहुत खुशी होती है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा करके इस पावन में ये सब्जी ये साग लें। देखिए इसमें भी है थोड़ा सा, तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं। और इसकी इसको पूरा धूप चाहिए और पानी, और तो पूरा बहुत अच्छा से इसका जो है सो जड़ जो है सो फैलता है। और हल्की मिट्टी रहता है तो पूरा भर भर के निकलता है। तो देखिए हम इस सबको एक बार तो हटा चुके थे, फिर से हो गया है। तो देखिए तो इस सबको भी निकाल लेते हैं क्योंकि आज जो है थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे सब लोग को, तो अच्छा से अपना
थोड़ा थोड़ा करके अपना मिल बांट के कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और हमारे पास देखिए इतना सारा साग निकला है, तो कुछ हम दे देते हैं और कुछ जो है सुरख लेते हैं और सब बांट देंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।